हेलो आंटी. हेलो आंटी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं. क्या? ये लो न्यू कार. कार? कल से मगरमच्छ पे आना बंद. कांग्रेचुलेशन आंटी. तो मिठाई के पैसे दे दो ना. अच्छा ना, दो ना. ए, हाँ? पैसे वैसे छोड़. क्यों? मुझे एक बड़े बड़े सिंगर लोग आए हैं. हाय हाय. मैं पूछ क्या कर रहा यार. हाय. हेलो ग्रीन अंकल. हेलो जी. हेलो वाटर पॉट अंकल. हेलो. हेलो सैड अंकल. ये क्या मतलब? ग्रीन अंकल मतलब हरी अंकल, वाटर पॉट मतलब जल लोटा अंकल, और सैड अंकल मतलब उदास अंकल. सर ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, ये ऐसे ही बस अभी घूमते रहते हैं. उनको क्या बोलने दीजिए. लंबे बहुत हो गए. बहुत लंबे हो गए सर. बस तो चौड़े भी हो रहे हैं. चैनल का इतिहास है अंकल, आपको पता है? जितने आर्टिस्ट है ना, वो घूमते घूमते यहीं आते हैं. और जो नहीं आते हैं ना, वो आज भी घूम ही रहे हैं. हेलो हेलो हरियाणा अंकल. हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. नाइस टू मीट यू. माय नेम इज धनीराम. ओके अंकल, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप उधर अपना वो त्रिवेंद्रपुरम में पैदा हुए ना? नहीं, मैं तो मुंबई में पैदा हुआ. ओह, आई थॉट यू वांटेड त्रिवेंद्रपुरम. नो नो नो, त्रिवेंद्रपुरम पे पैदा हुए. वो बोल रहे हैं ना त्रिवेंद्रपुरम. ओह माय गॉड, इतना लंबा तो नाम है, हम तो बोल नहीं पा रहे. कोई उधर पैदा कैसे हो जाता है पता नहीं. वैसे अंकल, आपने एक्चुअली आप पैदा ना थोड़ा सा जल्दी हो गए. आपको थोड़ा सा बड़े होके पैदा होना चाहिए था. अच्छा, बड़े होकर कौन पैदा होता है? हर कोई छोटा ही पैदा होता है. ये मतलब मेरा बाप भी छोटा पैदा हुआ था. हाँ, तो छोटे ही पैदा होगा ना. ओ यार, मुझे लगा था मैं बड़े बाप की औलाद हूँ, मैं तो छोटे बाप की औलाद हूँ. तू सोच, तू छोटे बाप की औलाद है फिर भी कितना मोटा पैदा हुआ है. तू अगर बड़े बाप की औलाद होता ना, वो लोग हैंडल नहीं कर पाते तेरे को. मतलब ये क्या बात हुई यार? खैर सुन धनीराम, आज यहाँ पर ज्यादा मत हंसाना. क्यों, क्या होगा? अरे अगर पंकज अंकल जोर से हंस पड़े ना, तो वो पंकज उदास से पंकज खुशहाल हो जाएंगे. तुम लोग यहाँ पे आ गए ना फालतू में, हमारा इंटरव्यू खराब कर रहे हो आप. हाँ तो इंटरव्यू में क्या होता है? क्वेश्चन ही पूछते हो ना अंकल. क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. आई विल आस्क. ओके अंकल्स, आप लोग इतने सारे परफॉर्मेंसेस करते हैं, मतलब जगह जगह जाके शोज करते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, मतलब दुनिया आप लोगों ने देखी है. ठीक है, ठीक. तो मैं खाली जानना चाह रहा था कि लॉलीपॉप को चूस के खाते हैं कि चबा के? व्हाट इज बेटर? ये कैसे बच्चों वाले सवाल कर रहे हो तुम लोग? हाँ तो कोई बात नहीं, बड़ों वाले सवाल पूछ लेते हैं हम लोग. देख धनीराम, पंकज अंकल जो है वो गजल गाते हैं, ठीक है. अनूप अंकल गजल और भजन दोनों गाते हैं. हाँ, हाँ. और हरिहरन अंकल सब कुछ गा लेते. तो अंकल जब वो सब कुछ गा लेते तो उन्हीं को बुला लेते, उनका टाइम क्यों वेस्ट किया? भाई ये बहुत समझदार आदमी, बहुत इंटेलिजेंट हो भाई ये बच्चा. सबका अपना अलग अलग फ्लेवर होता ना. ओ, तो एक चॉकलेट फ्लेवर का गाना हो जाएगा. नहीं नहीं, मेरे को काला खट्टा फ्लेवर प्लीज, मेरे लिए गा लो ना प्लीज. बेटा इतने बड़े माल लोगों के सामने ऐसी बातें करते हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, वैसी बातें कर लेंगे. कैसी कैसी कैसी? वैसी वैसी कैसी वैसी वैसी कैसी वैसी वैसी वैसी. अरे हम तो वैसी बातें करने जा रहे थे, आपने कैसी बोल के बात की, ऐसी की तैसी कर डाली यार. आप भी ना अंकल कुछ भी, ये अंकल कुछ भी बोल, मेरे को पूछने. हाय अंकल, ग्रीन अंकल, हरियर अंकल, आपका एक गाना था, मुझे पूछना था उसमें कितने हीरे हैं? कौन से गाने में? टू हीरे, टू हीरे, टू एंड टू तो फोर हो गया, और कितने हीरे गाने? ये सब कैलकुलेशन ना हम लोग बाद में करेंगे. मुझे पंकज अंकल से पूछा था. पंकज अंकल, मेरे एक चाचा हैं, वो ना गाड़ी खरीदने लाइक अ न्यू कार, तो उनको लोन चाहिए. तो वो गोरी वाली आंटी को आप जानते हो ना, उनसे लोन दिला दो ना. कौन सी गोरी आंटी? अरे पंकज अंकल ही बोलते रहते हैं कि एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. बेटा हर गोरी धनवान होती है. सही बोल रहे अंकल. तुम हमको भी मिला तो मुझे भी मजा आ जाए. मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं वैसे नहीं कह रहा. आप बोल रहे बच्चा है. एनीवेज, ओके अंकल, आप लोगों को नासा पता है? नासा लाइक ऑल साइंस एंड ऑल हैपेंड नासा. तो नासा के लोग आप लोग से तो बहुत चिढ़ते होंगे ना. क्यों? कि हर गाने में ये चांद तारे तोड़ देते हैं. इमेजिन कीजिए,
एक कोई एस्ट्रोनॉट ऐसे चांद पे चल रहा है और ये पीछे से आके चांद ही तोड़ दे। कैसे पढ़ाई हो गई? सब सीख ले भी नो इंग्लिश आल्सो। रियली? एवरीथिंग इज कूल डूड मैन। पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए अंकल। हमको इंग्लिश सब। आई एम वेरी हैप्पी, माय मॉम वेरी हैप्पी, माय डैड इज आल्सो वेरी हैप्पी। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अंकल। अंकल लाइफ में ना थोड़ा टेंशन दो ना। अरे टेंशन कौन मांगता है? मैं कैसे टेंशन दिला दूं तुम लोगों को? गर्लफ्रेंड बना दो हमारी। मैं क्यों बनवाऊं तुम लोगों की गर्लफ्रेंड? अच्छा, हम इधर आके आपका एपिसोड बनवाते हैं, आप एक गर्लफ्रेंड नहीं बनवा सकते क्या? गर्लफ्रेंड के पास जाओ, वो भी बोलते जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इनके पास आओ, ये भी बोलते जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जब देखो जब। अच्छा अंकल, मेरा ऐसे अब्रप्टली एक सवाल था आपसे। अब्रप्टली? ये आप लोग एक शो का हाउ मच डू चार्ज? कितना पैसा? ऐसे सवाल थोड़ी पूछते हैं। अरे यहाँ नहीं पूछते, यहाँ ऐसे सवाल पूछते हैं मेहमानों से। मैंने कितनी बार बोला ऐसे सवाल मत पूछवाया करो यार मुझसे। आप इतनी एम्बेरिसमेंट होती है सब ऐसा पूछने। पैसे वेरी मनी माइंडेड लेडी यू नो आंटी। सब जानना है उनको कौन कितना पैसा ले रहा है, क्या हो रहा है। लगा कुछ भी बोले जा रहे हो तुम दोनों। नहीं मैं अंकल, आप लोग इतने सारे शोज करते हो तो आपका तो बैंड वैंड होगा जो साथ में जाता है। अंकल हम दोनों को अपने बैंड में शामिल कर दो ना। मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तुम दोनों को कुछ बजाना आता है? ये सवाल आपने कभी इनसे पूछे? अंकल आपने गाना गाया, अब रीशूट करना पड़ेगा ये लोग को। पैच वर्क होगा ना? करेक्ट अंकल? आई नो आई नो। ये जो पीछे वाले अंकल है ना, वो जो है ना अंकल, वो जो ड्रम स्टिक से बजाते हैं, सारा दिन ड्रम स्टिक से बजाते हैं, फिर वही स्टिक से शाम को नूडल खाते हो। और ये पता नहीं इतनी इज्जत क्यों देते क्या? लॉस एंजलिस से शकीरा का बैंड लाए हो क्या? ये कपू अंकल भी ना है। अंकल अंकल हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा? हाँ, अभी ना हमारे स्कूल में कंपटीशन था, डांस कंपटीशन। हाँ। उसमें हम लोग फर्स्ट आए। आपका गाना अंकल हमने किया, वहाँ पे ब्रेक डांस किया था आपके गाने पे। बहुत खुश है टीचर लोग। ब्रेक डांस कौन, इनके कौन से गाने पे ब्रेक डांस? Okay, we are going to perform a breakdance on a ghazal, and this is Dhaniram, this is Ramlal. We are performing for you. Are you ready? Yes, we are ready. Yeah, okay, please, yes. Please sing. So, let's go. आप जाना नहीं चाहोगे तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी में लिखा क्या है? क्या क्या पढ़ के सुना दे। इसमें लिखा है सिद्धू जी जल्दी वापस आने वाली। प्रूफ मिल गया आप लोगों को? क्या? ये लोग नहीं बजाते, सब पीछे से बजते हैं। वैसे अंकल 5 साल में ऐसे पहली बार खड़े हुए हो, कैसा लग रहा है? पहली बार मेहनत की इन लोगों ने ना, बहुत थक गए होंगे। वाह सुखी अंकल, कितना अच्छा गाना बनाया आपने अंकल। थैंक यू। आपको पता है शादियों में जितने नाराज जीजा और फूफा होते हैं ना, जब भी वो ये गाना सुनते सालियों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। थैंक यू। अंकल आप बादशाह हो ना? हाँ। तो आते आते मेरे लिए हाथी ले आते। ये वो वाले बादशाह थोड़ी है। तो मैं भी खिलौने वाला हाथी मांग रहा हूँ। असली हाथी तो हम साथ में लेके घूमते। मुझे हाथी बोला? मुझे हाथी बोला तूने? नहीं मैं कुछ नहीं, मैं कुछ बोला? हाथी बोला मुझे? हाथी बोला? नो नो मैं कुछ नहीं बोला। ये किंग कॉन्ग नहीं बनना, मेरे को डर लगता है। मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है। नहीं 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 नहीं, आज ही बोलेगा मुझे, मुझे बोल रहा है। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। ये तेरा मजाक है? ये तेरा मजाक है? तू तू अब ये ले। तुम दोनों रुकते हो कि नहीं? हमें रोक के दिखाए जिसके हम में है दम। यार यार धनीराम कितना अच्छा किया यार हम लोगों ने। यार मेरे को तो डर लग रहा है। क्यों? कहीं बड़े होके मैं बादशाह ही ना बन जाऊं यार। बहुत घबराहट हो रही है मेरे को। कोई डरने वाली क्या बात है यार, ये तो अच्छी बात है ना। अरे नहीं, इतना रोज महंगा महंगा जैकेट खरीदना, इतने महंगे महंगे शूज, इतना महंगा महंगा चश्मा, महंगी महंगी गाड़ी, बादशाह बनना बहुत खर्चे वाला काम है। Oh my God, और ऊपर से लड़की अभी आई लव यू बोलती है। और तू तो जानता है कि मैं कितनी शाय नेचर का हूँ ना। बादशाह अंकल किसी लड़की से मेरी बात करवाओ ना प्लीज। ओए, बड़े तो हो जाओ पहले तुम लोग, लड़कियों से बातें करनी है तो हम छोटी छोटी बातें कर लेंगे यार।
बात तो करा दो। सुखी अंकल, आपका गाना इश्क़ तेरा तड़पावे, मेरे पापा हैं पापा, माय पापा फेवरेट सॉन्ग, सबसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो गाने को, क्योंकि मेरे पापा ने कभी इश्क़ नहीं किया ना। क्या बात करते, पापा ने इश्क़ नहीं किया तो तू कैसे हो गया? तुझे क्या लगता है मैं इश्क़ वाला बच्चा हूँ? नहीं ब्रो, मैं तो रिस्क वाला बच्चा हूँ। ओह माय गॉड, फालतू की बातें तुम लोग करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई की बात क्यों नहीं करते कोई? ओके, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं। ओके, चूंकि अंकल आप दुबई में रहते हैं ना, तो दुबई में अगर कोई बच्चा अपने स्कूल में ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो वो स्कूल की टीचर उसको मुर्गा बनाती है कि ऊंट बनाती है। तुम दोनों की ना शरारतें बहुत बढ़ गई हैं आजकल। मैं शरारत नहीं करता कपूंग, ये बहुत शरारत करता है। हमारी बिल्डिंग में पम्मी आंटी रहती है, उसके गाड़ी का कांच तोड़ दिया इसने, फिर उन्होंने इसको डांटा ना, तो शाम को जाके हेडलाइट भी तोड़ दी उनकी। ये सब मत किया करो, पुलिस में कंप्लेंट कर देंगी वो। अरे कुछ नहीं होगा दोस्त, मैं बैठा हूँ ना यार। अरे मेरे पुलिस अंकल है, मेरे फ्रेंड है। अच्छा, कल उन्होंने मेरे को 100 रुपया दिया और ऐसे आगे 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 भी किया। अरे वो तो बहुत खड़ूस अंकल है यार, उन्होंने 100 रुपया भी दिया और हल्ले हल्ले भी किया, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि उनको दूसरी पड़ोस वाली आंटी के साथ हल्ले 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 करते हुए मैंने देख लिया ना। गेस्ट बैठे जाओ, पीछे जाके खेलो तुम लोग, जाओ। अच्छा, बड़ों को बोलते हो काम करो, मेहनत करो, हम लोग को बोलते पीछे जाके खेलो। क्या होगा हमारे फ्यूचर का धनीराम, हम लोग कब सेटल होंगे यार? अभी बहुत छोटे हो, तुम बड़े होगे तो हो जाओगे ना सेटल। ऐसा जरूरी नहीं है, हमने काफी बड़े लोग को भी देखा है जो दूसरों की जगह पे ही सेटल हुए पड़े हैं। हम लोग अपनी मेहनत से करेंगे, अपना खुद का करेंगे, हम लोग खुद का करेंगे। तुम लोग करने क्या आए यहाँ पे? ए तू बता ना, ए तू बता ना, नहीं तू बता ना, बता ना, बता ना, बता ना। बादशाह अंकल एक एक बात बोलो। मजाक कर रहा हूँ। हम लोग का ना एग्जाम हुआ था, तो हम लोग दोनों फेल हो गए। एक्चुअली ये ज्यादा फेल हुआ, मैं कम फेल हुआ था। तो वहाँ पर ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है हम लोग की, तो आप प्लीज पापा बन के चलो ना। प्लीज प्लीज चलो ना, रिक्वेस्ट है हमारे पापा बन के। पापा बन भी गए तो मम्मी किसको बनाओगे? अरे बादशाह पापा बन के जाएंगे तो सारी टीचर मम्मी बनने के लिए तैयार हो जाएंगी यार। बाहर जाके भी लड़ लेंगे। बाहर मतलब यहाँ से बाहर जाके लड़ो? कहाँ, रोड पे? वहाँ पर छुड़वा देते हैं लोग, हम लोग यहीं पे लड़ेंगे, मजा इधर ही है। जाओ बेटा, अभी हमें काम करने दो, जाओ। अच्छा नहीं, मैं काम की बात करना सुखी अंकल से। सुखी अंकल, आपका गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, वो सौदा खरा खरा। अच्छा, वो खरा खरा एक बार आप सुना दोगे ना हम लोग? हाँ जरूर यार। नहीं उठने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए। अच्छा। खरा मत होइए, आप बैठ के भी खरा खरा सुना सकते हैं। बैठ के गाना मुश्किल है मेरे लिए। नहीं नहीं भाई, खरा भी हो जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।